पुलिस सैलरी पैकेज। तो इसका रिक्स कवर कितना है? उसी पे किस पे? वेट वेट, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सारी चीजें डिस्कस। इसके बाद एक और बेनिफिट आपके खाते पे बैंक ने जोड़ दिया है, इसे हम कहते हैं SBI रिश्ते। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन या नॉलेज आप लोगों को? चलिए डिस्कस करें। SBI रिश्ते, अब आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपकी फैमिली में 4 अकाउंट्स है SBI में, कितने अकाउंट्स? सपोज आपकी मिसेज का अकाउंट है, आपके बच्चे का अकाउंट है, या आपके पेरेंट्स में से किसी का अकाउंट है SBI में, तो 4 ऐसे अकाउंट आप अपने PMSB खाते के साथ लिंक कर सकते हैं। उसके बाद उन 4 अकाउंट पे क्या क्या बेनिफिट लागू हो जाएगा, वो अकाउंट भी आप 0 बैलेंस पे चलेंगे। उस पर अगर आप ATM लेना चाहते हैं तो उस पर भी कोई चार्ज आपको ईयरली नहीं देना है, यानी कि ATM भी फ्री हो जाएगा। उस पर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो वो भी फ्री हो जाएगा, जैसा आपका अकाउंट पे है। उस पर आप SMS अलर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी फ्री है, और उस पर आप डिमांड ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं वो भी फ्री है, और उस पर आप MOD या मोड बैलेंस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। समझ आया? SBI रिश्ते अब आपके पास ऑप्शन है आपके अकाउंट पे, जिसके तहत आप अपनी फैमिली में से 4 अकाउंट, मिसेस का अकाउंट हो सकता है, बच्चे का अकाउंट हो सकता है, माता पिता में से किसी का अकाउंट हो सकता है, तो 4 ऐसे अकाउंट आप PMSB खाते के साथ लिंक कर सकते हैं। उसके बाद उन 4 अकाउंट पे ये वाले बेनिफिट लागू हो जाएंगे। और ये कहां से आपको करना है? जहां पे आपका PMSB खाता है, जिसे हम होम ब्रांच कहते हैं। ब्रांच का क्या मतलब है? जहाँ पे प्रेजेंट में आपका खाता है वहाँ पे आपको SBI रिश्ते का फॉर्म मिलेगा, जिसपे आपको वो 4 अकाउंट नंबर भी लिखने हैं, आपको अपना PMSB अकाउंट नंबर भी लिखना है, साथ में उन 4 अकाउंट होल्डर के आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा और आपके आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा, ताकि हमें आपस में रिलेशन पता चल सके। क्या समझ आ रही बात? क्लियर हो गया इसका? अगर आपको PDF भी चाहिए SBI रिश्ते का, मैं अपना नंबर और फील्ड ऑफिसर का नंबर देके रखूंगा, ये मेरा नंबर रहेगा। मेरे फील्ड ऑफिसर का नंबर रहेगा 9541683848। इनका नाम है शाहिद साहब, ये मेरा नंबर रहेगा, ये शाहिद साहब फील्ड ऑफिसर का नंबर रहेगा, ठीक है? तो आप हमें WhatsApp पे मैसेज कर दीजिए, मैं इसका SBI रिश्ते का PDF भी भेजूंगा आपको, फॉर्म का। गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज के तौर पर रिस्क कवर मिलता है। कितना रिस्क कवर है आपके खाते पे? आपका क्या नाम है? हेमंत सरनिया साहब, बताइए कितना रिस्क कवर है खाते पे? पता नहीं। कितने साल से सर्विस में है? 12 साल। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार जी, बताइए कितना रिस्क कवर है खाते पे? 30 लाख रुपए। ओके साहब, आपका क्या नाम है? राव साहब, कितना रिस्क कवर है खाते पे? 25 लाख। साहब आपका क्या नाम है? पुलिन कुमार साहब, बताइए। 15 लाख सर। 15 लाख। देखिए हम यहाँ पे 20-25 बंदे बैठे हैं, तो अलग अलग सभी फिगर्स बता रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। देखिए इसी वजह से हम लोगों के लिए जो बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं वो हम ले ही नहीं पाते, सही बात है ना? तो हमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। अभी जो रिस्क कवर आपके खाते में बैंक ने लागू कर दिया है वो है 50 लाख रुपए। कितना है? चाहे ऑफिसर है, चाहे DG साहब भी है, या एक कॉन्स्टेबल है, हर किसी के लिए रिस्क कवर 50 लाख है। अब इसमें रैंक का सिस्टम नहीं है, समझ आ रही बात? साथ में ये जो 50 लाख का रिस्क कवर है आपका ऑन ड्यूटी के साथ साथ ऑफ ड्यूटी पे भी अवेलेबल है। इसका क्या मतलब है? अगर जवान छुट्टी पे भी है, वहां पे एक्सीडेंटल डेथ केस हो जाता है, उस केस में भी जवान की फैमिली को यह 50 लाख का रिस्क कवर मिलेगा। पहले ये रिस्क कवर खाली ऑन ड्यूटी हुआ करता था, समझ आ रही बात? साथ में 1 अप्रैल से आपका परमिनेंट डिसेबिलिटी का क्या मतलब है? अपंगता, जवान कंप्लीटली अपाहिज हो जाए या नौकरी करने के लायक ना रहे, उस केस में भी बैंक उस जवान की फैमिली को 50 लाख का रिस्क कवर प्रोवाइड करेगा। पार्शियल डिसेबिलिटी का क्या मतलब है?
एक्सीडेंट के बाद बॉडी का कोई एक अंग कट जाता है, जैसे एक बाजू कटा या एक टांग कटी, उस केस में भी बैंक ने आपका रिस्क कवर रखा है 50 लाख रुपए, और साथ में आपका ईयर इंश्योरेंस बाय एयर ट्रेवल करते हवाई दुर्घटना में डेथ हो जाती है उस केस में 1 करोड़ का इंश्योरेंस है बैंक की तरफ से। समझ आ रही है बात? साथ में आपका पेंशन और रिटायरमेंट के बाद आपके खाते में कितना रिस्क कवर होता है? 31 मार्च 2022 तक कोई रिस्क कवर नहीं चलता था रिटायरमेंट के बाद या पेंशन जाने के बाद, बट अब आपका पेंशन या रिटायरमेंट के बाद रिस्क कवर कंटिन्यू चलेगा 30 लाख रुपए जब तक जवान जीवित है। कि हमारी फैमिली में भी ये चीज पता होना चाहिए, आपको पता सही बात है, क्योंकि इसकी कार्रवाई ज्यूरिंग सर्विस आपका यूनिट या बटालियन करेगा फ्रॉम द ऑफिस ऑफ 2IC एडम। 2IC एडम साहब कौन होते हैं? आपके अकाउंट ऑफिसर। अगर किसी जवान के साथ हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट डेथ केस हो जाता है, तो प्रोसेस कहां से होता है? 2IC एडम से। बट इनकेस यहां से नहीं हो पाया किसी कारण, आपके जो अकाउंट में नॉमिनी है कौन? नॉमिनी वो भी इसको क्लेम कर सकते हैं होम ब्रांच से। कहां से? होम ब्रांच से। और उसके लिए बैंक आपको टाइम दे रहा है 90 दिन हादसा होने के बाद। कितना टाइम? और डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या देना है? डेथ सर्टिफिकेट, नॉमिनी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, नॉमिनी का KYC, नॉमिनी का अकाउंट प्रूफ जिसमें कल को क्लेम का पैसा आएगा। आपका होम ब्रांच क्लेम करने के लिए एक फॉर्म प्रोवाइड करेगा, आपका यूनिट एक लेटर बना के देगा क्लेम करने के लिए, साथ में FIR की कॉपी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर जरूरत पड़ती है तो। क्लियर है? इसका डॉक्यूमेंट का भी फोटो उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं।